हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश श्रेष्ठ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एशिया कप से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 का जो एशिया कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा, यानी कि 2025 के एशिया कप की मेज़बानी भारत को मिली है। और इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में भारत की टीम तभी 2025 का एशिया कप खेलने जाएगी, उससे पहले भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आना पड़ेगा। खैर, ये तो बात की बात है दोस्तों, क्या होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, क्या होता है एशिया कप का। लेकिन जो एशिया कप 2025 में दोस्तों आयोजित किया जाएगा वो होगा T20 फॉर्मेट में, क्योंकि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से बात की जा रही है कि T20 और वनडे और ऑल्टरनेट फॉर्म में ऐसा चलता रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा था, जो एशिया कप ऑर्गेनाइज़ किया गया था 2023 में वो 50 ओवर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और अब जो 2025 में जो T20 वर्ल्ड कप और सॉरी एशिया कप जो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो T20 फॉर्मेट में होगा। उसके बाद जो अगला जो एशिया कप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो फिर से वनडे के फॉर्मेट में होगा, और उसके बाद जो अगला एशिया कप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा वो T20 के फॉर्मेट में होगा, यानी कि ऑल्टरनेट चलता रहेगा। लेकिन 2025 में जो भारत में जो एशिया कप जो आयोजित किया जाएगा वो T20 के फॉर्मेट में होगा। अब इसके लिए दोस्तों मीडिया राइट्स भी बेचे जा रहे हैं, और उसके लिए जो बिड रखी गई है, बेस प्राइस जो रखा गया है वो $170 मिलियन का बेस प्राइस जो है वो रखा गया है। एक चीज़ और भी आपको बता दूं, मेंस का तो एशिया कप हो गई होगा, विमेंस का जो एशिया कप है वो भी इसमें इंक्लूड होगा इस मीडिया राइट्स की बिड में। एक चीज़ और भी है दोस्तों, अब जो मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ किस किस को क्या क्या मेज़बानी मिली है, तो बांग्लादेश जो है वो 2027 का एशिया कप होस्ट करेगा। 2027 का जो एशिया कप होगा वो बांग्लादेश में होगा, 2025 का भारत में T20 फॉर्मेट में, 2027 का बांग्लादेश में, और ये ODI फॉर्मेट होगा। फिर पाकिस्तान 2029 में, पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है एशिया कप की, और वो एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद श्रीलंका में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 2031 का एशिया कप, और उसका फॉर्मेट होगा ODI। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि T20 ODI ऑल्टरनेट चलता रहेगा, तो और ऑल्टरनेट के साथ साथ रोटेशन भी चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है 2025 का, तो 2027 का हो जाता है दोस्तों बांग्लादेश में, 2029 का पाकिस्तान में, और 2031 का श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अब जो एशिया कप का जो टूर्नामेंट है दोस्तों, इसमें 13 मैचेस होंगे, और ये गारंटीड है कि ग्रुप स्टेजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता ही होता है, लाजमी एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, दो बार भी उनके कई बार मैच हो जाते हैं, और अगर फाइनल में टीमें पहुंच जाती हैं तो एक और चांस होता है कि भाई जो दो टीमें वो तीसरी बार भी मैच को खेल सकती हैं, फाइनल खेल सकती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया श्रीलंका, कोई भी है, दो बार मैच खेले और तीसरी बार फाइनल में भी भिड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि क्या एशिया कप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। भारत वाला जो एडिशन है 2025 का T20 फॉर्मेट में वो खेला जाएगा। बिड्स जो हैं 2024-2031 तक की बिड करी गई हैं, और ये जो बिड है, क्योंकि 2024 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो 2024 से 2031 तक की जो बिड है उसके लिए $170 मिलियन ये बेस प्राइस रखी गई है। और बताया जा रहा है कि Viacom 18 और डिज्नी हॉटस्टार ये इंटरेस्टेड भी नज़र आ रहे हैं एशिया कप की बिड के।